साडे यूट्यूब चैनल सिख इतिहास नाल जुड़ी समूह संगत नूं सत श्री अकाल जी। अज असीं गल करन जा रहे हां दूसरे पातशाह धन धन श्री गुरु अंगद देव जी बारे। गुरु जी का पहला नाम भाई लहना जी सी। आप जी का जन्म मत्ते दी सरां जिला फिरोजपुर बाबा फेरू जी दे घर माता सबराई जी दी कुखो 31 मार्च सन 1504 नूं होया। बाबा फेरू मल जी दे वड़ीके जिला गुजरात दे पिंड मंगोवाल दे रहण वाले सन। बाबा फेरू जी नूं उहनां दे सोहरे मत्ते दी सरां लै आए। बाबा फेरू जी चंगे पढ़े लिखे सन, 100 दिनां विच ही उहनां दा कम चंगा चल पिया। बाबा फेरू जी दा खुला आउण जाण चौधरी तख्त मल दे घर सी। तख्त मल कोल ही बाबा फेरू जी मुंशी दा कम करदे सन। तख्त मल दे 7 पुत्तर ते 1 धी सी। धी दा नाम विराई सी। विराई दा विआह खडूर विच चौधरे महमे नाल होया सी। कुछ साल तां बाबा फेरू मल जी दा कम चंगा चलदा रहा, पर सन 1517 विच तख्त मल नाल कुछ अणबण हो गई। भावे विराई ने विच पै के ठीक तां कर दिता सी, पर फिर भी डर सी किते झगड़ा वध ही ना जाए। सो भाई लहणा जी दे सोहरिया ने सलाह दिती कि संगर आ जाओ। कुछ कारना करके बाबा फेरू जी ते भाई लहणा जी ने संगर दी थां हरीके पत्तण हट्टी पा लई। उथे भी बहुती देर ना टिक सके ते संगर सोहरिया दे पिंड ही दुकान कर लई। उस समय राज इब्राहिम लोधी दा सी अते बाबर ने इक्के दुक्के हमले भी शुरू कर दिते सन। बाबर मल्ला मारदा भेरे तक भी आया सी। सन 1521 विच उसने सैदपुर दा कतलेआम कीता, जिस दा जिक्र गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी विच कीता है। सन 1526 नूं बाबर ने इक तगड़ा हमला कीता ते पानीपत दी पहली लड़ाई विच इब्राहिम लोधी नूं हरा के दिल्ली दा बादशाह बन गया। इस हमले विचकार मत्ते दी सरां तबाह हो गई ते कईआं इतिहासकारां दे कथन अनुसार बाबर ने एक जगदा दीवा भी उथे ना छड़िया। उसे साल बाबा फेरू जी भी चढ़ाई कर गए। सारा कम काज हुण लहणा जी दे सिर ते आ पिया। फेरू जी देवी भगत सन। हर साल पहाड़ा वाली देवी दे दर्शनां नूं जत्था लै जांदे सन ते जत्थेदार भी सन। इह कम भी हुण भाई लहणा जी दे सपुरद होया। भाई लहणा जी संघ दे जत्थेदार होण दी हैसियत विच जत्था लै जाण लगे। इसे दौरान ही इक वारी खडूर साहिब सवेरे भाई जोत दे मुंह तो बाणी सुनी, जिस दी सेवा नाल सारे सुख मिल जांदे हन उसनु चेते रखना चाहिदा है। जद अपना कीता पाउणा पैंदा है तां फिर भैड़े कम क्यों कीते जाण। पाप ना करो, लम्मी नजर नाल वेखो, ओ चाल क्यों चली जाए जिस नाल रब पासो हार होवे। सदा लाहे वाला कम करना चाहिदा है। भाई लहणा जी बहुत प्रभावित होए अते उहनां नूं बाणी दे रचनहारे गुरु जी दे दर्शनां दी तांग लग पई। भावे इक वार पहला भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी दे दर्शन कर चुके सन, पर ओ स्वार्थ लई नहीं संसारक पीड़ा हरन लई सी। उस साल देवी दे दर्शना नूं जम्मू जांदिया आप संघ नूं छड्ड के करतारपुर दर्शन लई आए। दर्शन करके मन नूं शांति मिले, उत्थे ही रहण दा विचार प्रगट कीता अते संघ नूं कह भेजिया कि जिस दे दर्शन लोचदा सी ओ दात मिल गई है। एह घटना 1532 ईस्वी दी है। बाबा दासू जी ते बीबी अमरो जी दा जन्म हो चुकिया सी। कुछ दिन बाद भाई लहणा जी खडूर आए अते सारा कम काज पणेवे नूं सौंप के वापस करतारपुर चले गए। जद भाई लहणा जी कम काज समेट के करतारपुर जान लगे तां उहनां लूण दी इक खिट्टी सिर ते चुक लई। करतारपुर पुज लूण तां कर सुट्टिया ते आप जी खेतां नूं गए। गुरु नानक जी घा पुट रहे सन, आप जी भी घा कट्टण लग पए। खेती कदे कीती नहीं सी, सो घा नाल धान भी पुट्टी जाण। महाराज मुस्कुराउंदे रहे, घा दीआं दो पंडा तैयार हो गईआं, इक गुरु नानक देव जी ने चुक लई अते दूजी भाई लहणा जी ने। जद माता सुलखणी जी ने कहा कि इन्हां नूं क्यों घा उठवाया तां महाराज ने वचन कीता, इन्हां दे सिर घा दी पंड नहीं दीन दुनिया दा शतर दित्ता है, उपर चिक्कड़ नहीं केसर है, ए वड्डा भागवान पुरख है। पहली साखी इस तरह बयान कीती जांदी है कि जद भाई लहणा जी पिंड खडूर तो वापस आए तां गुरु नानक देव जी ने घा दीआं पंडा उठाण लई फरमाया। भाई लहणा जी ने बगैर हील हुजत ओ चुक लईआं ते इस तरह पौड़ी दे पहले डंडे उते चढ़ गए। गुरु नानक देव जी ने दर्शाउणा सी कि सिख घर कामे गरीबां किरतियां नाल नफरत नहीं, सगों उहनां वाले कम करन नूं वी अपना धर्म समझदा है अते उहनां नाल डूंघा प्यार करदा है। भाई लहणा जी ने ओ पंड चुक के प्रगट कीता कि गुरु दा सेवक भी ओ कम करन विच खुशी महसूस करदा है।
गुरु नानक देव जी दा उत्तर के दीन दुनिया दा शतर दिता है, गहु नाल पढ़न वाला है। गुरु जी किरत करन नू केसर दी खुशबू ते रंगन नाल तुलना दिंदे सन। किरत उना दे कर उच्च स्थान रखदी है। फिर जिक्र आउंदा है कि एक बारी गंदे नाले विच कटोरा डिग पिया। सुभावक ही गुरु जी ने दोवे पुत्रां नू विचो कढ़न लई कहा। उना ओ काम नीच दा आ के गल लांबे कर दित्ती। भाई लहणा जी नू ओह कटोरा कढ़न दी आग्या हुई। उना ओ कटोरा बाहर कढ आंदा। दूजी पौड़ी ते चढ़ के भाई लहणा जी ने साबित कर दिता कि जिस नू समाज विच नीच कहंदे हन, उना नाल वी होण वाले गुरु नू कोई नफरत नहीं। इसे तरह बरांडे विच एक चूही मोई पई सी। पुत्रा ने इनकार कीता ता भाई लहणा जी ने चुक के बाहर सुट दिती। उपरी नजर वाले नू ता ओ एह निक्कियां जहियां घटनावां लगदियां, पर इस जमाने विच भी जद नीच देख के थू थू हुंदी है अते उसनू छू जान वाला भी पिट जांदा है, उस वेले अजेहे कम कोई महान आत्मा ही कर सकदी सी। चौथे सियाल विच धर्म साल दी टठी कंदरू बनाउण लई आख्या। भाई लहणा जी उस ठंड विच राज वाला कम करदे रहे। उस पौड़ी ते वी ओ चढ़ गए। पंजवें सियाले अद्धी रात नू दरिया रावी उत्ते जा के कपड़े धो लियाउण दा हुकम कीता। भाई लहणा जी ने रावी उत्ते जा के कपड़े धोते ते धोबियां वाले कम करके पंजवीं पौड़ी उत्ते चढ़ के ए साबित कीता कि उन्हां नू धोबियां नाल वी प्यार है। हुकम ओ वी मनवा सकदा है जो पहला हुकम मन्ने। इस प्रकार दियां होर वी कई साखियां होईयां। एक बारी गुरु जी ने रावी विच इशनान करन लई डुबकी मारी ही सी कि गड़े पैन लग पे। सारे सिख दरखत दे ओले हो गए, पर आप जी ओथे ही खड़े रहे। जद गुरु नानक देव जी ने पुछया तुसी क्यों नहीं गए, ता भाई लहणा जी ने कहा साडा हुण किसे नाल प्रयोजन नहीं, सिर्फ तुहाडे नाल है। गड़े पैंदिया भी गुरु वल मुख रवे, एह ओ दृढ़ करा गए। इस करके एक बारी उना बाबा बुड्ढा जी कोलो पुछया कितनी रात गुजरी है, ता बाबा बुड्ढा जी ने कहा ढाई पहर गुजर गई, डूढ़ पहर रह गई। जद आप जी कोल पुछया गया ता उना ने कहा जितनी तू रखी रह गई, तेरी रात तेरा दिन गल की। भाई लहणा जी ने हुकम पालन ते सेवा करन दी हद दस दिती। सब तो आखरी साखी ता एक कड़ा इम्तिहान सी, जिस विच भाई लहणा जी निरा सफल ही ना होए, बल्कि उथे पुज गए जिथे गुरु नानक देव जी लेके जाना चाहुंदे सन। इस संसार विच अजेहे पुरुष हन जो मुर्दे दा मांस खा के गुजारा करदे हन। उना मानस खाणिया नू लोकी नफरत ही नहीं करदे, सगो उना तो डरदे वी हन ते उना नू राक्षस कहंदे हन। गुरु नानक देव जी ए देख रहे सन कि भाई लहणा जी जिना दे जिम्मे समुची मनुखता दी कल्याण करन दा कम सौंपना है, उना मानस खाणिया नाल ता नफरत नहीं करदे। सो एक दिन नवी भयानक शकल बना के हथ विच डंडा लेके मसाणा वल गुरु जी चल पए। बहुत लोग पिछे हो गए कि गुरु जी दा की कोतक है। गुरु जी ने देखिया कि संगता नहीं हटदियां ता पैसे सुटे। बहुत सारे लोकी पैसे चुकन लग पए। फिर आप जी ने रुपए सुटे। बाकियां विचो कुछ रुपए चुकन लग पए। फिर आप जी ने मोती सुटे। कुछ लोकी मोती चुकन लग पए। आप जी ने फिर हीरे सुटे। कुछ हीरे चुकन लग पए। जद फिर कुछ लोकी पिछे आंदे दिसे ता आप जी ने कुत्ते छड़ दिते। कुत्तियां तो डरदे सब ही हट गए। सिर्फ तीन ही रह गए। गुरु नानक देव जी ने कुत्तक बाबा बुड्ढा जी दे सिर मारिया ता भाई दूनी चंद जी भी दरखत पिछे छुप गए। आखर एक भाई लहणा जी खान लई तैयार हो गए ता उना मुर्दे तो जद कपड़ा उतारिया ता ओ कड़ा प्रसाद दिसिया। गुरु नानक जी ने देख लिया कि भाई लहणा जी विच शक्ति आ गई है कि ओ मुर्दिया नू जीवन शक्ति मिठास ते सुगंधी दे सकदे हन। गुरु जी ने छाती नाल लगाया ते गुरगद्दी भाई लहणा जी नू दित्ती। ए घटना 2 सितंबर सन 1539 दी है, खडूर साहिब विखे। गुरु अंगद देव जी ने करतारपुर छड दिता अते खडूर साहिब चले गए। उत्थे गुरु नानक देव जी दे दसे होए राह उत्ते तुरन लई लोकां नू प्रेरिया। नाम बाणी वल लगाउणा शुरू कीता। अकाल पुरख दी दित्ती दात नाम नू लोकां विच वंडिया। नाम शब्द दा प्रवाह चला दिता, पर उत्थे कोई घाटा नहीं। हर वक्त नाम दी झड़ी लगी रहिंदी सी। उना ते सब तो वड्डी जिम्मेवारी नव जन्मे सिखी दे बूटे नू जिस दा बीज गुरु नानक देव जी ने दूर दूर तक पा आए सन संभालना सी।
गुरु संतान सन्यासियां परोहितां इलाके दे हुकमराना अते समय दे बादशाह तो बचाउणा सी। उन्हां जिस सुगड़ता नाल इस बूटे नूं पालिया ओ इक कमाल ही है। गुरु अंगद देव जी इतनी उच्ची पदवी पा के भी निम्रता विच रह रहे सन। लोकां विच ए गल चल पई कि इस विच बाबा लहणा जी ने घाल कमाई करके ते हुकम मन के ही गुरगद्दी लई है। गुरु जी दी सिफत सारे इलाकियां विच फैल गई। आप जी लई खाना करो माता खीवी जी ही पका के भेज दे सन। भेटा नूं निज लई नहीं सन वरतदे। ओना ने अपने बेटो को हुक्म दे रखा था कि तुम अपना गुजारा दुकानदारी या काश्तकारी से हासिल करो। यह पूजा का माल तुम्हारे लिए जहर कातल है। चुनाच ओ उन्ही के अरशाद मुताबक अमल करते थे। जिथे नाम दात गुरु जी वंड रहे सन उथे ही गुरु जी ने लंगर दी मर्यादा चला दी। लंगर विच माता खीवी जी दा सदका रस अमृत क्यो वाली खीर वरताई जांदी सी। दूर नेड़े लोकी ए खेड देखण आउंदे सन ते लंगर छके शुकर शुकर करदे सन। गुरु जी दा नित करम। गुरु अंगद देव जी अमृत वेले उठदे सोचा चार करके कुछ चिर ध्यान विच जुड़दे फिर संगत विच पुजदे ते दर्शन देंदे। दर्शन पा के कईयां नूं आत्म दृष्टि मिलदी ते कईयां दे रोग कटींदे। फिर कीर्तन रबाबी बलवंड जी करदे। निरोल कीर्तन ही हुंदा फिर कथा ते गुरु इतिहास दोहराया जांदा। गुरु चर्चा तो सिवा होर कथन ना हुंदा। जद लंगर तैयार हो जांदा ता सारे इको ही पंगत विच बैठ के छकदे। फिर संगता विश्राम करदियां शाम नूं खेडां हुंदियां कदे कदे पहलवान अखाड़े विच उतर के कुश्तियां भी करदे। पहलवान बुलाए आखर परे। रात नूं फिर बलवंड जी कीर्तन करदे अते पहर रात गई गुरु जी विश्राम करदे। निम्रता दा पुंज जोगियां दी इक जमात खडूर साहिब आई। माता खीवी जी दी सेवा सदका सदा रौनका रहंदियां सन ते खुले भंडारे लगे रहंदे सन। जोगी हैरान होए कि इतना खर्चा कित्थों आउंदा है। कोई जागीर आदि भी दिखाई नहीं दे रही सी। जोगियां दे वड्डे महंत ने जागीर आदि लगाण लई आखिया। गुरु जी ने फरमाया कि गुरु घर विच किसे चीज दी थूड़ नहीं। जोगियां ने बहुत जोर दिता कि कुछ ता मंगो। गुरु जी ने गरीबी दान मंगिया। उन्हां आख्या कि गरीबा नाल प्यार करन दी बरकत मिली रहे। गरीबा दी सेवा दा उपदेश। गुरु दरबार विच एक सिख पाई माहणा जी ना दा सी। उस नूं सेवा दा अहंकार हो गया। उस ए कहना शुरू कर दिता मैं नीवे सिखा दी सेवा क्यों करा। मैं ता सिर्फ सतगुर दा सेवक हां। गुरु जी ने उस नूं समझाया अते आख्या भाई गुरु घर विच एहो जहियां गल्लां नहीं सोवदियां। गुरु घर विच तां गरीबी ही फबदी है। गुरु जी दे उपदेश। गुरु जी बहुता जोर गुरु शब्द दी लोड़ उते ही देंदे सन क्योंकि ओ अपने जीवन तजर्बे तो जानू सन कि किवें गुरु शब्द तो बगैर ओ भटकदे रहे सन। उना दा जीवन भी गुरु शब्द ने ही बदलाया सी। माया दी तृष्णा दे प्रभाव हेठ मनुख स्वार्थ दे कारण थोड़ा दिला हो जांदा है। ए तंग दिली सिर्फ गुरु दी शरण पिया ही दूर हुंदी है। माया मोह दे कुवलड़े रस्ते उत्ते पए होए इंसाना नूं सिद्धे रस्ते पा सकदा है ता सिर्फ गुरु। उत्थे गुरु जी मनुखता दा प्रचार भी कर रहे सन। मनुख पावे किसे धर्म दा होवे उस लई धर्म सांझा है। जीव रब्बी असले वाला है। इस दा असल साथ परमात्मा नाल ही फब ते निभा सकदा है। दुनिया विच जात जन्म दा हंकार कुछ नहीं सवार सकदा। ए अमल ही हन जेहड़े इंसान नूं उच्च श्रेणी दा बनाउंदे हन। कामयाब मनुख ओ ही है जो विकारा आ तो बचिया होया है। जो मनुख परमात्मा दे हो जांदे ओना नू दुनिया दी कोई मुथाजी नहीं रहंदी। पर जो मनुख उस दियां दित्तियां दाता विच रुज के परमात्मा नू भुला बैठदे हन असल विच ओ ही मनमुख हन। जीवन दा सब तो श्रेष्ठ अते चंगा रस्ता ए ही है कि मनुख अपने मन दियां कमजोरियां लभ के ओना दा इलाज करे तदो ही जीवन सुखी हो सकदा है। जेड़े मनुख अपनियां कमजोरियां खत्म नहीं करदे अते मन दे आखे लगदे हन ओ जीवन व्यर्थ गवा जांदे हन। इस मन नू उस पासों मोड़ के परमात्मा वल लगाण विच ही
जिंदगी दा सही राह है। दूजा दे औगुण देख ते नशर करन दी वादी ठीक नहीं, ए माड़े पासे ले जांदी है। असल सियाणप है कि जीव अपनिया जीवन उकाईयां नू दूर करन दा यतन करे। गुरु जी दा ज्योति जोत समोना। तन तन श्री गुरु अमरदास जी ने सन 1569 तक खडूर साहिब रह के सेवा करदे रहे। गुरु अंगद देव जी ने 13 साल गुरु घर दी जिम्मेवारी संभालन उपरांत गद्दी गुरु अमरदास जी नू दित्ती। तन तन श्री गुरु अंगद देव जी 29 मार्च सन 1552 नू 48 साल दी उम्र विच ज्योति जोत समाए। संगत जी ए सी तन तन श्री गुरु अंगद देव जी दी जीवनी। जेकर तुहानू साडियां वीडियो चंगियां लगदियां ने ता इस नू लाइक ते शेयर जरूर करियो ते साडे यूट्यूब चैनल सिख इतिहास नू सबस्क्राइब जरूर करियो ता जो तुहानू एहो जिहियां होर वीडियो देखण नू मिलदियां रहन। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।